नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में सामने आए बर्ड फ्लू के मामलों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य और साथ ही साथ पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू की चपेट में आए लोगों की निशानदेही करने में जुटा है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के इस मौसम में बर्ड फ्लू फैलने की पूरी संभावना रहती है, जिसके चलते लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर विशाल टंडन ने बर्ड फ्लू के लक्षणों और का ब्यौरा देते हुए कहा है कि ऐसे लक्षण अगर किसी में भी पाए जाते हैं तो उसे तुरंत अस्पताल का रुख करना चाहिए। आज की डेट में ना तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा केस यहाँ पे है और ना कोई इसको लेके पैनिक होने की जनता को जरूरत है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन रहती है, वैसे मैं अवेयरनेस के लिए बता दूं, जो बिल्कुल एक जैसे वायरल जुकाम खांसी जिस तरह होता है वैसे ही रहता है। हाई ग्रेड फीवर रहेगा, इसमें नाक चलेगा ज्यादा, कफ जो है वो बड़ी इरिटेटिंग कफ रहती है, इसमें चेस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये अगर हो तो इस तरह के लक्षण रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो इस व्यवसाय से नहीं जुड़ा वो बड़ा ही लीस्ट पॉसिबली वनरेबल है। जो वनरेबल ग्रुप रहता है वह वही है जो इन सब से डील कर रहा है, तो उनको थोड़ी एहतियात रखनी है। अगर कोई ऐसा शक शुबा हो तो अपना मुंह पे मास्क बांध के ही अपनी पोल्ट्री को साथ डील करें, ग्लव्स का यूज करें, तो ये अपने घर में भी वो ऐसी इन्फेक्शन से ले जाने से बचेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा अपनी अपनी जनता के लिए इसके बारे में। जम्मू स्थित कॉस्ट में आयोजित 5 दिवसीय कृषि मेला आज संपन्न हुआ है। समापन समारोह में जम्मू कश्मीर के मुख्य अतिथि अरुण कुमार मेहता मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहे और जिन्होंने इस मेले में भाग लेने वाले किसानों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं पर इस मेले के कई किसानों ने भाग लेकर जहां अपने अपने उत्पादनों को दर्शाया, तो वहीं पर स्कॉस्ट व कृषि विभाग की ओर से भी खेती की नई व आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार किया गया। स्कॉस्ट में अक्सर यहां पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है और ऐसे मेलों के जरिए किसानों को भी उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में बेहद मदद मिलती है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर को भाजपा से मुक्त करने का दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा हर वर्ग के लोगों के साथ किए गए वादों पर खरा नहीं उतर पाई है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने उसे जम्मू कश्मीर की सत्ता से हटाने की ठान ली है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हर्षदेव सिंह ने यह दावा आज आम आदमी पार्टी द्वारा उधमपुर से लेकर चिनैनी तक किए गए शक्ति प्रदर्शन के दौरान किया। भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों के साथ धोखे किए, विश्वासघात किया, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, और जिस तरीके से महंगाई की मार से गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है, लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब इनकलाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेंगे और आम आदमी की सरकार बनेगी जिसमें एक आम नागरिक को न्याय मिलेगा, गरीब को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा, किसान को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। लोगों ने अपना मन बना लिया है। चिनाब सिटीजन फोरम के एक शिष्ट मंडल ने आज डोडा के डीसी विशेष पॉल महाजन के साथ मुलाकात कर उनके सामने लोगों को पेश आ रही कई दिक्कतों का पिटारा खोला। फोरम के प्रधान महबूब बेग की अगुवाही में इस शिष्टमंडल ने डोडा में की जा रही बिजली कटौती, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व डोडा में यातायात व्यवस्था में खलल डाल रही अवैध पार्किंग आदि जैसे मुद्दे डीसी के समक्ष उठाते हुए इनका जल्द समाधान करने की मांग की है। हम कट के साथ जरूर हैं, 2 घंटे का कट वो ठीक है, लेकिन इसके मजीद हमें कट का बर्दाश्त करना पड़े SLDC कट। वो हमने डी साहब से पूछा कि SLDC कट क्या है, उन्होंने कहा स्पेशल कट है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि SLDC कट नहीं होना चाहिए। कि स्टेडियम का मुद्दा था, स्टेडियम में एनक्रोचमेंट थी, एनक्रोचमेंट इतनी है कि
मतलब वो सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, रहने वालों को पता है, लेकिन इन्होंने फेंसिंग अंदर की, बाहर से रकबा छोड़ दिया है। फेंसिंग के बाहर भी रकबा है, जो स्टेडियम का रकबा है, गवर्नमेंट का रकबा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने डी साहब को बोला इसको आप इंक्वायर कर लें। डिप्टी कमिश्नर साहब ने बात की कंसर्न अफसर के साथ, उन्होंने बोला कि हम रहने वालों को पूछेंगे कहाँ कहाँ निशानदेही है, वो हम पूरा करेंगे, उन्होंने हमको एश्योर किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का कड़े शब्दों में विरोध कर रहा है। इस संबंध में जम्मू में आज परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि परिषद की जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रधान अनूप सिंह से इस बिल को नई शिक्षा नीति के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर नई शिक्षा नीति कॉलेज व यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता प्रदान करने की बात करती है, तो ये बिल यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता की को छीनने का काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस ना लिया तो अखिल भारतीय परिषद उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। दो इशू को लेकर रखी गई है, एक जो जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल 2022 लाया गया है, और दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉलेज में जो भर्ती है उसको लेके। सबसे पहले जो मैं ये यूनिवर्सिटी बिल की बात करूं, जो ये जो एक ब्लैक बिल है जो एलजी सरकार के द्वारा ये यहां पे निकाला गया है, आप देखोगे कि इस बिल में जो जितनी भी राज्य की जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, उनके जो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी को वो खत्म करने का काम जो है एलजी सरकार ने किया हुआ है। आप देखोगे कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे से आके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, उसके बाद आप जो है वही कह रहे हो कि यही लोग जो है यूनिवर्सिटी की जो भर्तियां करवाएंगे। वीसी की जो पूरी पावर है, पूरी पावर को खत्म कर दिया गया। अभी पीछे जो एग्जाम देखोगे आप, जो एसएसबी के एग्जाम हुए हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो या फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम हो, सब वो धांधली हुई उसमें। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर की है पोस्टें हैं वो जेकेपीएससी, और जो नॉन गेजेटेड की है वो जेकेएसएसबी करेगी। तो ये लोग पहले ही प्रश्न जन के घेरे में है। तो मेरा कहने का मतलब विद्यार्थी परिषद का ये क्लियर स्टैंड है कि जिसका काम है उसको ही करने दो। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने आज जम्मू में बस स्टैंड का दौरा कर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन से मुलाकात की। दरअसल जम्मू बस स्टैंड के दशकों पुरानी जीडीए के बिल्डिंग गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है और इसे अनसेफ घोषित किया जा चुका है। चेंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने बताया है कि अनसेफ बिल्डिंग को ध्वस्त करने में से इसमें कई सालों से दुकानों में अपना कारोबार करने वाले दुकानदारों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वे जेडीए सहित प्रशासन के अन्य अधिकारियों को विश्वास में लेने को प्रतिबद्ध है। समझना चाहूंगा यहाँ पर आकर के कि भाई यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, ये लोग क्या चाहते हैं, और उसी जो इनकी डिमांड होगी उसी पैटर्न पे हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, और गवर्नमेंट से यही चाहेंगे आप कोई भी चीज़ जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके पहले कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, और उसमें जो हमारे लॉसेस हैं, जो हमारी जो पोजीशन है वो आने वाले दिनों में क्या होगी। तो अभी देखते हैं, अभी बातचीत करते हैं। मैं पहले यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि पहले मैं इन लोगों की बात समझूं, फिर हम लोग जो हैं जेडीए से भी बात, वीसी जेडीए से बात करेंगे, हम कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे। बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया, इधर वो बोर्ड लगा दिए, जबकि ये बिल्डिंग अनसेफ नहीं है, इसको थोड़ी देर रिपेयरिंग की जाए तो ये बिल्डिंग सालों साल चलती है। तो मैं आपके माध्यम से ये इनके आगे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए, हमारे लोगों को भड़काओ मत, हमारे लोगों की अनदेखी मत करो, हमारे लोगों का साथ दो, हमारे लोगों की आवाज सुनो। जम्मू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुराने शहर की सड़कों को उधेड़ कर बनाए जाने के फुटपाथ आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी अब जी का जंजाल बन चुका है। फुटपाथों के निर्माण से पहले से तंग सड़कें और तंग होने लगी हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुकानदारों को की कारोबार भी इस पर प्रभावित हो रही है। जम्मू के पुरानी मंडी इलाके के दुकानदारों ने आज प्रदर्शन कर प्रशासन पर उन्हें बेवजह तंग करने का आरोप लगाया है। दुकानदारों के मुताबिक इन तंग बाजारों में फुटपाथों का निर्माण कोई औचित्य ही नहीं रखता, लिहाजा ये काम बंद ना करवाया गया तो बाजार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे।
आज का प्रदर्शन हमारा जम्मू पुराने शहर के अंदर फुटपाथ को लेके शुरू हुआ है और हम नहीं चाहते कि पुराने शहर के अंदर फुटपाथ बनाए जाएं। प्रॉब्लम ये है कि 12 फुट की सड़क है सारी, चार चार फुट के आप फुटपाथ बनाने को सोच रहे हो या शुरू भी किए हैं हम काम ने, 8 फुट की सड़क में रात को कहीं आग लगती है एम्बुलेंस के फायर ब्रिगेड कैसे आएगा, कोई मरीज है वो रात को गाड़ी लेके कैसे जाएगा अस्पताल तक, यहाँ से तो निकला ही नहीं जाएगा। और आप लोग ये सोच के हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हो कि जो पुराना शहर डेवलप ही करना है आपने, तो किसी और ढंग से करो ना कि ये सोच के कि हमने फुटपाथ बनाने हैं कमीशनें बनानी है, वही सोच के आप चल रहे हो जो कि अच्छी बात नहीं है। मेयर साहब से बात हुई थी फोन पे मेरी, उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि हम लोग जो आप चाहोगे तो वही होगा, अगर फुटपाथ का तो काम ही नहीं है। यहाँ पे पुराना शहर है, छोटी सड़कें हैं, कोई 50-50 फुट की सड़कें तो है नहीं है, यहाँ पे आप फुटपाथ बना रहे हो, फुटपाथ तो बन ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर ऐसी बात हुई हमें व्यापारियों को मजबूरन सख्त कदम उठा के बाजार बंद करके भी अगर हमें प्रोटेस्ट करने पड़े, रोड पे आके धरने देने पड़े, हम वो भी करें। जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे टेलीवेजरों की मांगों को लेकर धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज भी कठुआ में जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने बकाया मानदेय के भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों का आरोप था कि वो पिछले 15 से 20 वर्षों से जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिससे उनके बच्चों का भविष्य भी अब दांव पर लग गया है। उनके मुताबिक 72 महीने से मानदेय न मिलने से वो भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। कि हम 20 से 25 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए, लेकिन ना ही सरकार ने हम लोगों को पक्का किया है और लगभग हमारी 72 में ही नौकरी जो पेंडिंग सैलरी है वो भी सरकार के पास ही पड़ी है। सैलरी ना मिलने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ रहा है, हमारे बच्चे जो हैं वो भी भूखमरी के कंगाल पर खड़े हैं। अपनी मांगों को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों के धरने प्रदर्शन जारी हैं और वहीं पर आज 38वें दिन भी इन डेली वेजरों ने जम्मू में प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें नियमित करने को लेकर सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी हमें 38 दिन हो गया सही थे बैठे दिया ते स्टेट डिपार्टमेंट ते असड़ा अजे तक कोई कुछ ने कोई गौर नहीं की है ते अस जब तक पॉलिसी नहीं थोड़ी तद तक असा वापसी नहीं, घर वापसी नहीं है ते अस इत्थे बैठना, इत्थे जीना, इस रोड उपर इत्थे के मरी जाना, लेकिन असा अपने बच्चों ताई ए लड़ाई लड़नी है क्योंकि साढ़े बच्चे भी दरबदार होई गए, अस भी साढ़े जड़े माँ बाप सन ओ भी इस नौकरी दी आड़ उपर अस खज्जल होई गए। जिला कठुआ में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। खनन माफिया के इस खेल से वाकिफ जिला प्रशासन भी लंबी ताने सोया हुआ है और लोगों के सब्र का पैमाना भी अब छलकने लगा है, जिन्होंने आज प्रदर्शन कर प्रशासन पर खनन माफियाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। खनन माफिया में सहार खड की सीना लगातार छलनी कर रहा है, जिससे कि इस खड पर बने पुलों की नींव भी अब खतरे में आ चुकी है। खनन माफिया रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रशासन माफिया पर नकेल कसने में हिचकिचा रहा है। देखा कि इलीगल माइनिंग जो थी वो जहाँ पे हमारे इलाके में शेरकोटला में शुरू हो गई है, हमारे खाड़ के बीच में बड़ी आपके सामने पीछे मशीन लगी हुई है और टिपर भर भर के जा रहे हैं, तो इसलिए हमने कल देखा कि पता नहीं क्या चक्कर आज सारा ये गांव जो है वो इकट्ठा हुआ है और हमने ये जो गाड़ियाँ वो रोक ली हुई हैं और जो मशीन है वो भी इस समय खाड़ के बीच में ही है और हमने जाने दी। अभी SHO साहब भी आए हैं, वो भी मौका देख रहे हैं कि हम यहाँ पे माइनिंग जो है वो नहीं होने देंगे। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ, ये हमारे शमशान घाट की जो जगह जो आप देख रहे हो सारा बर्बाद कर दिया इन्होंने,
यानी शमशान घाट की जो जगह है यहाँ से भी मटेरियल उठाना शुरू कर दिया, और ये इस तरह से उठाते रहेंगे तो जो एडजाइनिंग जो जमीनें हम लोगों की मालकाना जमीनें हैं जिन्हें इस खड्ड का पानी लगता है वो तो बंजर हो जाएंगी। एक तो आपको पता है कि सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं युवाओं के लिए, दूसरा ये लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं, अगर ये जमीनें बंजर हो गई ये तो खेती बाड़ी से भी गए। एक तरफ से सरकार बैक टू विलेज कर रही है कि गांव को सुधारना है, गांव को संवारना है, गांव में डेवलपमेंट करनी है, और दूसरी तरफ से हमारा सीना छलनी किया जा रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इलीगल माइनिंग है हमारे खड्ड के बीच में, हम जो माइनिंग है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं बंजर हो जाएंगी, और हमारा ये छोटा सा रोड है, लिंक रोड है, और यहाँ पे इतने बड़े ट्राले जो जाएंगे, हम लोगों को जो आने जाने में असुविधा जो होगी, ये सारी दिक्कतें जो है इस वजह से हमें पेश आ रही हैं। इन्हें ये पूछो भी नहीं पता है खड्ड पड़ोनी है क्योंकि किन्नी ज़मीन है लोगों दी, इहदे भी सारा दारोबदार है, ठीक है। तो गोरमेंट एक बखी लोन दे आदि ट्रैक्टर लाओ मशीन लाओ कहने वास्ते करा, ये ट्रैक्टर इतने होंगे ना तो उन्हें जमाना ठोक देना, यह मशीन ये क्यों आप चोर बजारी पा दी गोरमेंट ने, यह क्यों लगे पुट दे इतों परमिशन कहीं इतना आए ना, ये लोगों की मीटिंग लई है, और मैं पता लगा भी इतना काली बड़ी ने मीटिंग की, और जमीन इतों ही जा रही मटीरियल इतों जा रहा, तो मीटिंग लोगों क्या कठुआ कर मतलब है जिन कु आना इस लोगों के बिच आन तो गल कर परमिशन दी इतों की खड्ड पुटने की, इतना कख नहीं इन्हें लोगों बिना घर पटो जाने लोगों के, जिन्हें खड्ड उतों तक गए लोग घर जो उपर पानी आता ना जनाब इन्ना पानी आता है, अद्ध को बद पानी आता देखी लो तो कुंबरी कठेरे तक पानी आता है, ये लोगों के घर रुड़ी जाए ना ये लोग भलिया खत्म करी देना, क्योंकि लोगों की जमीन बिल्कुल ही खत्म हो जाए जल्द कुछ गत्त क्ढे जा सारा लागे पिछले का पानी सारा वे आना, यह लोगों कुछ जाना मेरी जमीन थले है ये थोड़ा भी नहीं है, ये जो लोग अलग लोग तो आए कख नहीं है, लोग तो मैं दसा कोई 5% भी इतना पुजे हैं बड़ी बारी वादी है इस खड्डा के उपर जे दाना फका कर दी है इन्हें बिल्कुल खत्म करी देना है। राती भी एक त्रै दिन मशीन आ रहा है राती सानू पता नहीं है राती भी गड्डिया जिंदियां राती भी ये मैनिंग करा देने राती भी चुका देने माले जिसल सवेरे अं सुते उठे अं देखा कि इतों गड्डिया जा दी हाँ अस गड्डिया रोकी लिया ने हूँ राती सूँ के पता किन गड्डिया गई रातों रात ही यह काम करा देने इन्हें सारी खड्ड इतों चुकी ली है तो इस खड्डा का चुकने का सू नुकसान है कि जे अगर साड़ी खड्ड ही चुकी ली साढ़ा इतों पानी का लेबड़ी थले चली है ना अं सा दर बदार ही सारा इस पानी उपर है सूँ और पानी का कोई सोर्स नहीं है इस खड्ड का जो खूह कड़े अलग अलग है खूह का पानी पीने जिसल खड्ड का लेबल थले चली आ तो साढ़े जो खूह सुकी जाने साढ़े जो जमीन जी बंजर हो जाने जिते असं धान की खेती करने उत्थे पानी नहीं पुजना है पानी भी खत्म हो जाना है इो मांग है कि जी ये खड्डे नहीं चुकाने चाहिए। जिस बेटे की बारात के लिए एक पिता ने गाड़ी खरीदी थी आज उसी गाड़ी में बदनसीब पिता को अपने बेटे की अस्थियों को घर विदा करना पड़ा। ये बदनसीब पिता बिश्नाहा के घर गांव मोर्चा पुर का रहने वाला है जहां पर वह पूर्व सब इंस्पेक्टर लेखराज है। इस पूर्व पुलिसकर्मी के बेटे एसपीओ रजत चौधरी को जम्मू के बहुफोर्ट इलाके में 16 नवंबर को एक ट्रक ने ड्यूटी के दौरान रौंद डाला था। पीड़ित पिता ने एडीजी से इस हादसे की जांच करवाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा करने की मांग दी। मेरा बेटा ये 2 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ जे एंड के पुलिस में, मैं पुलिस का सब इंस्पेक्टर हूँ 87 में मैं भर्ती हुआ था एक कांस्टेबल, तो ये मेरा बेटा अभी जैसे कोई 2 साल पहले भर्ती हुआ है, लेकिन मुझे एडीजीपी जम्मू से इसकी जान चाहिए, साथ में दूसरा जो गाड़ी मैंने ली थी इसकी बरात के लिए आज मैं उसकी अर्थियाँ लेकर जा रहा हूँ। क्या इसमें संशोधन होना चाहिए कानून में? बिल्कुल सर, मैं पुलिस का कानून मैं जानता हूँ, लेकिन इस पर आज दिन तक कोई कानून नहीं बना। यही आज ब्रेक फेल होगी, ब्रेक किसकी फेल हुई उसको पूछो ना यार, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। मैकेनिकल ही डिक्लेयर कर देते हैं, अभी मैकेनिकल रिपोर्ट नहीं आई उसकी ब्रेक फेल हो गई जी। मैं एडीजी जम्मू से पूछ रिक्वेस्ट करूँगा, एसएसपी जम्मू से, डीआईजी जम्मू से, जो ऐसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ होना नहीं चाहिए। आरएसपुरा के गांव बुर्रे के कोठे में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से झूलता मिलने पर वहां पर सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय कमल किशोर पुत्र हंसराज के रूप में की गई है, और जिसका शव उसके कमरे में फंदे से झूलता मिलने पर उसके परिजनों और पड़ोसियों में पुलिस को सूचित किया था।
वहीं पर पुलिस इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। चोरों को अब ना तो पुलिस और ना ही भगवान का कोई डर है। चोर लोगों के मकानों और दुकानों के साथ साथ अब मंदिरों और शमशान घाटों में भी अपना निशाना उन्हें बनाते जा रहे हैं। ब्लॉक सतवारी के वार्ड नंबर 2 चट्ठा के लोगों का आरोप है कि चोर स्थानीय शमशान घाट को कई बार अपना निशाना बना चुके हैं और शमशान घाट से पानी की मोटर व बर्तन आदि चोरी कर चुके हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ते हमारा इतने चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। हर बार असि जाके जाते हैं, पुलिस वाले को जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 2 महीने पहले इतने चोरी हुई ही, बड़े सारा तोड़ के, दरवाजा तोड़ के, ते कोई चोर जड़े ने साढ़े बर्तन वगैरह जो असी इसे चौथे हस्ते रखे थे होंगे, चौथे दिन असी अस्थियां जी चुनते हैं वो असर रखे थे होंगे बर्तन, वो बर्तन सरिए जेड़े जिदे नाल असी मतलब चिता दे चारों तरफ लगाए जाते हैं, वो सरिए भी कोई उठा के ले गया। उस तो बाद असं पुलिस को गया, अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हूँ फिर दोबारा मतलब छुटपुट घटना हो रही हैं, असं बार बार कर रहे हैं। इतने महाराज चिट्टे वाले बहुत आके तो करते हैं, वो रात दिन इतने चलते रहते, गेट असं बंद कर देंगे फिर कोल जाते, इतने कोई चौकीदार है नहीं, तो इस वास्ते असी बार बार पुलिस नूं ये कहंदे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा जी। इतने चोरी वारदातां बड़ी हुई अंदरों जोड़े बर्तन भांडे बर्तन साड़ी मोटर वगैरह शमशानगढ़ मोटर 10वें घर की वह सरिए सरिए सब चुरा के ले गए दिन। ऑलरेडी असें शेड टुटिया, इस बारे पुलिस को गया चट्ठे, फिजिकली मैं खुद गया चट्ठे इंचार्ज चौकी ने कहा कि मैं उत्थे गार्ड नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा पुलिस तरफ, कोई कुछ नहीं हो रहा साढ़े लिए, साढ़े लोगों को बार बार दिक्कत आ रही है। इतों किन्नी बार शमशानगढ़ तो समान खरीदेंगे, किन्नी बार शमशानगढ़ में देंगे, अस बड़ी परेशानी से जूझ रहे, लेकिन साड़ी कोई कितने सुनवाई नहीं हो रही है। अस चाहते कि साड़ी इतने सुनवाई हो, सू इत प्रॉपर कोई समान संबंधी व्याख्या करने लिए कुछ, असं 10वें घर लिए बड़ी अप्रोचा की, बड़ी बार गया अपने कारपोरेटर को गया, साड़ा कोई सहयोग नहीं कर रहा, अस लोग बड़े परेशान है इतने चट्ठे वार्ड नंबर 2 दे। चोरी भी सर बर्तन भांडे थालियां कोले जेड़ा भी एक फैमिली का समान पूरा जी चौथी रस्म है इतने अस अगर मनाते और सारा कुछ चोरी होगा साड़ा। सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने से जिला उधमपुर के ब्लॉक रामनगर के क्षेत्र नाला मलिया के लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि 4-5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नाला मलिया में फलाल तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 7.5 किलोमीटर रोड की कटाई के बाद ये काम बंद हो गया। सड़क का निर्माण कार्य बंद होने से स्थानीय लोगों में भारी मायूसी है। लोगों ने सरकार से बाकी बची 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई करके सड़क का काम पूरा करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। जनाब 5-4 साल हो रोड ऐसा कम्मै लगे दा, ते रोड दी कंडीशन तुस देखो, ते कनेहा कैंकरा पेई जा दा, ते रोड माड़ा है, 9 किलोमीटर उपर 8.5 उपर बंद होई दा, ते ना इत्थे कोई ठेकेदार लभदा, ते ना ये कम चला दा, ते कैंकरा जेका ओह ठीक नहीं, अग्गे रोड गै नहीं ठीक बनी महाराज, पिछे कैंकरा पे जा दा, ते गड्डी निक्की मुट्टी दी, असें कोई प्रॉब्लम किसे वजह दी। रोड बनना किन्ना है, बनना बकाया किन्ना है, कारी सिंगल कटाई मेरा ख्याल 125 किलोमीटर होनी अग्गे ये, और 10 किलोमीटर इन्हें बनाना, ते इत्थे 8 किलो 925 किलोमीटर तक सिंगल कटाई हुई थी होनी, ते अग्गे इन्हें आखदे जी रब दा पौड़ा, ते रोड बनिया नहीं है, ते जेहड़ियां पुरानी आरडियां महाराज ओहदे मुताबक कटाई करी लैन, साडा कोई रब दा नहीं है, रबता कह साडा म्हल्ले आह्ले दा। रोड दी बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है, असीं रोड जिहड़ा इत्थे बड़ा डैमेज है, जिहड़ा कारी कटाई हुई दी कटाई सही नहीं है, रूढ़ी का सारा मुकरी का डंगे खत्म हो चुके, और ठेकेदार जो मशीन पे दी इतने जो समान पेदा हुई पेदा अनकलमीर जो पेदा इं गा कोई नहीं है, बारिश के की छुड़ा दा इन्ना उन्हें या कोई लभ्य नहीं है वर्दी है, बाकी जो पिछले ठेकेदार आवा करा दा काम बेचारा, लेकिन उस कुछ करना इन्ना अगे नहीं है सही।
ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਘੋਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਗਾਲਾ ਬੜਾ ਉੱਪਰ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੁੰਡੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਟੀ ਧੂਣਾ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਕੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲੀ ਸਕਦਾ, ਚਨੈਣੀ ਕੰਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੈਨ ਗਾਲਾ ਕੰਨੇ ਇਸਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸਲੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ? ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੋਡ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ ਜਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋੜ ਰੋਡ ਕੰਨੇ ਜੁੜਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਟਨ ਕੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਨੈਣੀ ਚਨੈਣੀ ਕੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये धर्म क्षेत्र है।